जहां सरकार बनाने को लेकर बात हुई है, तो वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों के साथ सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी बैठक करने जा रही है। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को 9 से 12 अगस्त तक पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेता को दिल्ली तलब किया है। नितिन नवीन, शहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद और सतीश चंद्र दुबे को दिल्ली बुलाया गया। बता दें कि जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू के बीच सरकार बनाने पर बातचीत हुई। दोनों दलों में कुछ मंत्रालय और विभागों को लेकर बातचीत की खबर है। मैं तो नहीं जानना चाहता कि ऐसी संभावनाएं कौन बता रहे हैं आपको। ऐसी संभावनाएं तो हमें कम से कम नहीं दिख रही है। और अगर राष्ट्रपति शासन, पहले तो ये तय हो कि क्या हो रहा है। अभी तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बयान असहज कर रहे हैं बिहार के सरकारों को, तो देखा जाए आगे क्या होता है। वो बिहार जो आदेश करेगा वो किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष वही करेंगे जो बिहार का आवाम आदेश करेगा। बात ये है, फेरबदल हो कि नहीं हो, लेकिन हम लोगों को पार्टी के आला कमान ने ये आदेश किया है, 8 बजे रात तक आपको पटना में रहना है। अब कल बैठक में क्या होती है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगामी इंटैक्ट है, एनडीए में कहीं कोई फूट नहीं है, विचार में भिन्नता है थोड़ी, लेकिन मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। सर, जिस तरह से जदयू जो बैठक बुलाई है, फिर कांग्रेस भी बैठक बुला रही है विधायक की, तो कहीं ना कहीं विधायकों की बैठक बुलाना एक यूजुअल कार्यक्रम है। हर परिस्थिति में सब लोग महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में बुलाते हैं, तो एक संजोग ऐसा है कि सबका एक ही 2 दिन में इधर ड्यूज हो गया, इसीलिए लोग बुलाए हैं, हम लोग भी बुलाए हैं, इसलिए उसका कोई राजनीतिक हितार्थ नहीं। सर, आप नीतीश जी के साथ रहेंगे अगर कुछ इधर से उधर होता है, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या भाजपा के साथ रहेंगे? सवाल ये है कि अब प्रश्न क्या, अभी हम हैं का, अभी हम नीतीश कुमार के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं या? और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब बिहार में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार बैठकें कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बैठकें कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 11 बजे जेडीयू की बैठक होगी, जिसमें तमाम सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। एक तरफ जेडीयू बैठक करेगी तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी बैठक की जाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए ये गठबंधन अहम क्यों है, उसे भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाने का निर्णय लेते हैं तो बीजेपी की उन कोशिशों को पहला झटका लगेगा, जिसमें पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बेहद गंभीरता के साथ तैयारी में जुटी है, क्योंकि बिहार से अकेले 40 लोकसभा सीटें आती हैं। राज्य के मतदाताओं में जाति आधार पर इतना बड़ा बिखराव है कि बीजेपी अकेले दम पर बड़ी कामयाबी हासिल करने में चूक सकती है। लेकिन दूसरी तरफ की बात करें तो वहीं जेडीयू, आरजेडी और अन्य दलों के साथ आने से बिहार में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।